श्री केदारनाथ धाम में पहुंच रहे श्रद्धालुओं को स्वच्छ और साफ वातावरण उपलब्ध हो सके, इसके लिए जिलाधिकारी सौरभ गहलवाल ने संबंधित अधिकारियों को केदारनाथ धाम में निरंतर और बेहतर साफ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत केदारनाथ नीरज कुमार ने कहा कि श्री केदारनाथ धाम की यात्रा अपने अंतिम चरण में है, जबकि संज्ञान में आया कि कतिपय व्यापारियों द्वारा उनके प्रतिष्ठानों से उत्पन्न कूड़े को खुले में जलाया जा रहा है। उन्होंने दुकानदारों द्वारा अपनी अपनी दुकानों की साफ सफाई के दौरान उत्पन्न कूड़े को एकत्रित कर खुले में न जलाने की अपील की है। साथ ही कूड़े को एक स्थान पर एकत्रित कर उसकी सूचना नगर पंचायत केदारनाथ को देने की भी अपील की, ताकि एकत्रित कूड़े का उचित निस्तारण किया जा सके। केदारनाथ क्षेत्र अंतर्गत सभी व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि प्रतिष्ठानों से उत्पन्न किसी भी तरह का कूड़ा खुले में ना जलाएं। इससे एक ओर जहां पर्यावरण को बड़ी मात्रा में नुकसान होता है, तो वहीं दूसरी ओर ऐसा करना स्वच्छता नियमों का भी उल्लंघन है। नगर पंचायत केदारनाथ द्वारा सभी व्यापारियों को अवगत कराया है कि स्वच्छता नियमों का पालन न करने और सिंगल यूज प्लास्टिक पर जुर्माने की कार्यवाही भी की जा रही है। इसके साथ ही व्यापारियों से दुकानों से उत्सर्जित कूड़े की सूचना नगर पंचायत केदारनाथ को देने की अपील भी की है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। श्री केदारनाथ धाम में संज्ञान में आया है कि कतिपय व्यापारियों के द्वारा अपनी दुकानों का कूड़ा खुले में जलाया जा रहा है। नगर पंचायत क्षेत्र के सभी व्यापारियों से अनुरोध है कि वे अपनी दुकानों से उत्पन्न कूड़ा कचरा न जलाएं। कचरा जलाना न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि स्वच्छता नियमों का भी उल्लंघन है। इस संदर्भ में नगर पंचायत द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही नगर पंचायत केदारनाथ के द्वारा समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। कृपया सभी से अनुरोध है कि वे नियमों का पालन करें और कचरे को खुले में न जलाएं, साथ ही उसको निर्धारित स्थान पर जमा करें, ताकि स्वच्छता को बनाए रखा जा सके।